हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जो शायद आपके नज़रिए में कुछ बदलाव ला सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और मेटलिस्टिक लोगों के लिए तो ये बेकार का मुद्दा होगा। थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ नॉर्मल फ़ोन से, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर आए आपको। मतलब क्लियर आएगी पर वो माइक जैसी बात नहीं आएगी, क्योंकि माइक बाई चांस गलती से उसके पर्स में है और वो लोग कहीं गए हुए हैं। तो मैं ऐसे अकेला बैठा हुआ था, कई दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पर बात करने की आप लोगों से, क्योंकि एक परिवार की तरह एक माहौल हो गया। जैसे होता है ना कि यार कुछ भी बात दिमाग में आए तो चलो यार वीडियो बना के डालते हैं। तो वीडियो बना के किसके लिए डालते हैं कि आप लोग वहाँ बैठे हो और आप लोग भी इसी तरह की आइडियोलॉजी के लोग हो, तो इस पर सोचोगे, इसमें कुछ कमी होगी तो बताओगे, कुछ सही होगा तो कमेंट करके बताओगे। कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं पर कमेंट नहीं करते, वो उनकी अपनी मर्जी है। उनके अभी अंदर से इंट्रोवर्ड पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ है। मुद्दा था, मतलब कई दिन पहले जब मैं आया थाईलैंड से, उसके कुछ दिनों की बात है कि दिमाग में ऐसी बात आया कि ज़िंदगी क्या है। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, जो हर एक को मन में आता है और हर एक के पास अपने अपने नज़रिए से इसके जवाब भी होते हैं। जैसे अगर आप इसको स्पिरिचुअल तरीके से सोचो, आध्यात्मिक तौर पे, तो जीवन क्या है, तो उसका एक जवाब अलग निकल के आएगा कि जीवन मतलब क्या है और हम क्यों हैं, फिर वो मोक्ष, आनंद, ये सब आएगा। ऐसे ही जीवन क्या है, अगर मटेरियलिस्टिक व्यक्ति या कोई भौतिकवादी व्यक्ति अगर सोचेगा, पीछे को थोड़ा सा म्यूज़िक का भी शोर आ रहा होगा, पर ये वीडियो इम्पोर्टेंट अब शुरू किया तो इसको ख़त्म करूँगा ही, तो उसमें ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक लोगों की ये कहेंगे कि अरे जीवन मतलब कि पैदा हुए, मरना है, इसके बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो हमारा जीवन है। मुझे बात करने में थोड़ी दिक्कत आ रही, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, कोई फंक्शन है पीछे किसी के घर में, और मुझे मतलब जब मैंने वीडियो शुरू किया तब म्यूज़िक नहीं था, नहीं तो मैं नहीं शुरू करता। पर देखते हैं किस हद तक मैं इस बारे में आपको अपनी बात समझा पाता हूँ जो मैंने रखा। तो जीवन मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी क्या है, तो मुझे लगा कि यार ज़िंदगी मतलब ठीक है, मैंने अपने नज़रिए से एक जवाब ढूंढा होता है कि ज़िंदगी मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, कि हम जो भी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, अकलमंद बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, सबक सीख रहे हैं, ये जीवन है। शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, घर संभाल रहे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, ये जीवन है। नॉर्मली हमें यही सिखाया जाता है कि जीवन ये है, ज़िंदगी का मतलब ये है। आध्यात्मिक गुरु थोड़ा बहुत इसमें और ऐड ऑन कर देगा, नहीं ये जीवन बड़ा कीमती है, हमें इतनी योनि के बाद में जीवन मिला है, ये बहुमूल्य है, हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ झंडे गाड़ने हैं, वो करना है, ये सब वो थोड़ा और इस पर वजन लाद देगा। पर नॉर्मली ये दो तीन परिभाषा आती है। पर मैं इस पर थोड़ा सा मैं अब आपको बता दूँ कि मैं क्या मैंने निकाला इसमें से, वो कितना सही है कितना गलत है आप लोग बताना। मेरे हिसाब से जीवन जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जीवन, जब हम जीवन या ज़िंदगी की बात करते हैं ना, ज़िंदगी, तो ज़िंदगी हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्टिल वर्ड है, स्टिल मतलब रुका हुआ, स्थिर है, स्थाई है, पर एक्चुअली में जीवन स्थाई नहीं है। जीवन एक स्टिल वर्ड नहीं है, पर ज़िंदगी को हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे सुनने में लगता है, मैं ऐसी परिभाषाएं बता गई कि ज़िंदगी का मतलब है एक स्टिल वर्ड। अब ये स्थिरता, जबकि जीवन बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इतना तरलता है इसमें, ये रुका हुआ ही नहीं है, ये बह रहा है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो पहले ये बताता हूँ, बात करते हैं कि स्थिर कैसे लगता है। तो देखो, अगर आपको कहो यार ये तो हम भी जानते हैं, इसमें स्थिर थोड़ी है, जीवन तो बदलता रहता है, ये रहता है वो रहता है, नहीं ये कहने की बातें हैं, पर एक्चुअली में हमें जो ज़िंदगी सिखाई गई है वो स्थिरता के रूप में उसकी परिभाषा बताई गई है, और हम भी उसको स्थिरता ही मानते हैं। तभी तो जाके हम 15 साल की ई एम आई पर घर खरीद लेते हैं। हम जीवन को स्थिर मानते हैं कि हम तो बस जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे, और जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तभी तो हम जा करके 15 साल के लिए होम लोन ले लेते हैं, 3 साल की ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं, बच्चों का भविष्य प्लान कर लेते हैं, अपने भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। हमें लगता है कि ये जीवन मतलब एक स्थिर है, ये स्थिर मतलब ठोस स्थिर नहीं है, स्थिर है, इसके बीच में बाकी बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा उसकी शादी होगी, उसको करियर बनाना है, ये सब करना है, हम बूढ़े होंगे, हमें बुढ़ापे के लिए फार्महाउस चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एफडी चाहिए, ब्याज चाहिए। मतलब जीवन स्थिर है, ये उसके बीच की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इतना ही मानते। पर मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब है एक प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है मरने का।
जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के एक पल बाद ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके मरने की। मतलब जैसे कि कोई जिंदगी, कोई भी जिंदगी आबाद हुई इस धरती पर, कोई भी जीव ने जिंदगी, जीव में जिंदगी आई, जिंदगी आते ही एक पल, बल्कि उससे भी अगर कोई कम समय की इकाई हो तो एक पल बाद ही उसके मरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो मरने की प्रक्रिया तक, मतलब मरने तक वो जो प्रक्रिया चल रही है उसको बोलते हैं जिंदगी। अब इससे बड़ा नेगेटिव साउंड आता है, लगता है कि यार ये तो बड़ी नकारात्मक बात है। नहीं, अभी इसके अगर एंड के कंक्लूजन में पहुंचोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अगर इसको समझ गए तो। जिंदगी ज़्यादा शोर हो गया यार, पर कंप्लीट करूंगा, और नहीं तो फिर बाद में डिटेल में इसको अलग से एक और बताऊंगा, क्योंकि ये एक वीडियो में संभालने वाला टॉपिक नहीं है। तो जिंदगी मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, काहे का प्रोसेस, जिंदगी से मौत तक के जाने की जो जो तरीका है उसको जिंदगी बोलते हैं। इसमें स्थिरता तो है ही नहीं, तो हम कल के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें वर्तमान में जी सकते हैं, और वर्तमान के भी सूक्ष्म वर्तमान में जीना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? चलो जी, बड़े ब्रह्म ज्ञान की बात कर लीजिए, बड़ा खोज लाए आप निकाल के कुछ, तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे नैतिक जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में, हमारे डेली की दिनचर्या में? बस इससे जब आपको मालूम पड़ गया कि मैं मर रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ, आप भी मर रहे हो, हर कोई व्यक्ति मर रहा है, माँ बाप भी मर रहे हैं, उनका बच्चा भी मर रहा है, जो बच्चा पैदा हुआ अभी एक पल पहले वो भी मर रहा है, हम सब मर रहे हैं। जिस दिन मरेंगे उस दिन तक की मरने की प्रक्रिया को, उस जर्नी को हम जिंदगी बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन से इमोशनल अटैचमेंट या इमोशन, भावुक होकर के जो बेवकूफ़ियाँ करते हो वो ख़त्म हो जाएंगी। कैसे? जैसे मान लो किसी का बच्चा मर गया तो वो तो सदमे में चले गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, डिप्रेशन में आ गया, ये आ गया। अगर वो इसको इस नज़री से देखे, देखो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि भी बच्चा है, अटैचमेंट हुई, मर गया, दुख हो रहा है, ये तो ठीक है। पर वो जो इंटरनल ऐसे कि जैसे पता नहीं हमारे साथ वो घटना घट गई जो कभी किसी के साथ नहीं घट सकती, उसमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये मालूम था कि ये जब पैदा हुआ थे तब से ही मर रहा है, ये अभी एक पल मरने से पहले भी ये मर ही रहा था, केवल इसने कुछ टाइम बाद मरना था, ये इसका मरने का जो समय था, इस प्रक्रिया का, जिंदगी जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के कंप्लीट होने का जो समय था वो समय थोड़ा बाद आना था, या हम बाद में अज्यूम कर रहे थे थोड़ा पहले आ गया, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है। हमारी प्रक्रिया इससे पहले कंप्लीट होनी थी, हमारी नहीं हुई, इसकी पहले हो गई, ठीक है। जिंदगी मतलब एक पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इससे फिर क्या है कि हम सिर्फ यहाँ जिंदा लोगों की बात नहीं हो रही है, जिंदा जीवों की बात नहीं हो रही है। आपने कार खरीदी, वो हर पल नष्ट होनी शुरू हो रही है, कार बनी वो हर पल नष्ट हो रही है, उसमें हर पल जंग लग रहा है, हर पल उसमें रस्ट आ रही है, उसका टायर घिस रहा है, वो पुरानी हो रही है, मतलब एवरीथिंग इज प्रक्रिया। तो जब ये प्रक्रिया को आप समझ लोगे तो इससे आपके अंदर अटैचमेंट नहीं आएगी। जो अटैचमेंट हमारी ज़िंदगी में दुख का मेन कारण है कि यार घर, एक घर खरीदना है जी, एक घर खरीदना है, जब आपको मालूम है कि मैं मर ही रहा हूँ तो मैं घर का अचार डालूंगा, तो मैं मरने की प्रक्रिया को तो ज़रूर कंफर्टेबल बना सकता हूँ, ज़रूर मैं उसको अच्छा बनाऊंगा, पर मैं किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकता, क्योंकि पकड़ने के लिए मुझे पकड़ के बैठना पड़ेगा, पर मैं तो बैठ ही नहीं रहा, मैं तो मरने वाले रास्ते पर चल रहा हूँ, प्रक्रिया पे चल रहा हूँ। तो इससे ना आपकी ये जो बेकार की रिश्ते, बेकार की चीज़ों पे जो आप गंभीरता से सोचते हो, फिर डिप्रेशन में जाते हो, परेशान होते हो, इस बात के लिए दुखी होते हो कि मेरे आसपास के लोग मेरी कदर नहीं कर पा रहे, वो सब ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि भाई तू भी मर रहा है, मैं भी मर रहा हूँ, तेरा बच्चा भी मर रहा है, मेरा बच्चा भी मर रहा हूँ, तेरे माँ बाप भी मर रहे हैं, मेरे माँ बाप भी मर रहे हैं, जो मर चुके हैं वो भी मरने से पहले मर ही रहे थे, और जो अभी जिंदा है वो भी मर ही रहे हैं और एक दिन मरेंगे। हाँ, कोई पहले मर गया, कोई बाद में मर गया। मैंने अगर आज कार नई खरीदी तो वो कार अब पुरानी होना शुरू हो गई है, वो जिस दिन वो कार बनी उस दिन से ही उस लोहे में जंग लगना शुरू हो गया, वो हमें दिखेगा आगे जा करके, मतलब सब चीज़ों के नष्ट, एक्सपायर होने की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया जब जिंदा लोगों में चलती है, जैविक चीज़ों में चलती है, तो उसको हम जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी कभी भी आबाद नहीं रह सकती, हम कहते हैं फलाना आदमी जिंदा आबाद अमर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंदा रहने की प्रक्रिया को आप सगम सुधम बना सकते हो, पर जिंदा रहने की प्रक्रिया को आप पकड़ नहीं सकते। जब प्रक्रिया को रोक ही नहीं सकते तो रुकने वाली चीज़ें फिर क्यों खरीदते हो? या मतलब खरीद लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्रति अपना एक विचार भी एक्स्ट्रा क्यों खर्च करते हो? खरीदो, मालूम है घर खरीदा है, हमसे पहले भी किसी का था, हमारे बाद भी किसी का होगा, आज मैं जहाँ बैठा हूँ या मुझसे पहले कोई रह रहा था, मुझसे बाद भी कोई रह रहा होगा, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, रोंदे गए बड़े बड़े राजे नाम तो बिना, बड़े बड़े राजा चले गए, तो हम क्या हैं? क्योंकि ये प्रक्रिया है,
हम इसमें जब इन चीज़ों को जो पकड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस प्रक्रिया को नकार रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम तो 300-400 हज़ार साल जिंदा रहने वाले हैं या शायद कभी मरेंगे ही ना। इस तरह की आइडियोलॉजी थी तभी तो हम लोग अरे 15 साल के लिए एकदम 150 डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, 15 साल के लिए होम लोन ले लिया जी। अरे पता है क्या, और मैं कह रहा हूँ कि आप 15 साल बाद भी जिंदा रहोगे, पर मर तो रोज ही रहे हो ना, रोज आप एक एक दिन एक एक पल बूढ़े हो रहे हो, एक एक पल आप, तो उसको अगर आप समझ गए तो वो अफसोस ना करके आप उसमें खुश होगे कि मैं जितना पुराना हो रहा हूँ मैं उतना अपडेटेड हो रहा हूँ, मैं उतना तजुर्बेकार हो रहा हूँ। और अल्टीमेटली सब नहीं एक जगह ना जाना है। कृष्ण ने कहा था ना कि यत्र तत्र सर्वत्र, तुम सबको मेरी तरफ ही आना पड़ेगा, मैं ही मैं हूँ और मेरी तरफ ही आना पड़ेगा, और तुम सब मेरी तरफ चाहो या ना चाहो आ ही रहे हो। तो कृष्ण का मतलब कोई कृष्ण एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण मतलब नॉलेज, कृष्ण मतलब वो मौत जहाँ पर हम सब एक तरफ चल रहे हैं। अब जो नॉलेज और अकलमंदी और रैशनलिटी के साथ में उस रास्ते को तय करता है, उसका वो रास्ता उतना ही उसको मज़ा देता है, उतना ही उसका आनंदमय रास्ता होता है। वो झूमते गाते, एक आदमी गाना गाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है, एक आदमी परेशान होते हुए पहुँच रहा है, एक आदमी मायूस होते हुए पहुँच रहा है, और एक आदमी मतलब जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना 3 में ना 13 में, ना संतुष्ट ना असंतुष्ट। तो हम सब एक रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जिन्होंने मेरे पास आते हैं हर महीने 20-25 सब्सक्राइबर आते हैं, तो जितने भी आए, किसी ने मकान खरीदा, किसी ने घर खरीदा, किसी ने कार खरीदा, कोई खरीद चुके हैं, कोई करोड़पति हैं, कोई अरबपति हैं, कोई करोड़पति बनने की राह में, पर ये सब में एक बात कॉमन है, ये सब मर रहे हैं। सब ने एक ना दिन मरना है, उस मरने तक के रास्ते को ये ज़िंदगी कहते हैं, और उसको ये स्थिर मान के बैठे हैं, इसलिए स्थिर और निर्जीव चीज़ों के ऊपर ये लोग अपना फोकस करते हैं। मेरा मकसद इतना ही है, इसको अगर आप समझ गए सकारात्मक तौर पे तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपको ज़िंदगी में डर नहीं लगेगा। आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आपको यार मुझे धोखा दे के तूने क्या ले लिया, तू भी तो मर रहा है, मैं भी तो मर रहा हूँ। तो एक बहुत पॉजिटिव, सुनने में नेगेटिव साउंड करता है पर एक्चुअली भी बहुत पॉजिटिव है। मतलब मैंने इसको डीपली 3-4 दिन के अंदर जब इसको समझा, मैंने कुछ 10 दिन हो गए इस बात के कंक्लूजन पे, फिर मैंने अमजद के साथ शेयर किया, उसने इस पर कुछ क्वेश्चन दागे कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, इससे तो आदमी मायूस हो जाएगा। फिर मैंने उसको उस पर अपने तर्क वितर्क रखे कि मैंने कहा हम सब मर रहे हैं, और मरने की प्रक्रिया का नाम दिया हमने ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को हमें स्थिर नहीं मानना है, हम स्थिर मानते हैं इसलिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो कभी हमें छोड़ के ही नहीं जाएगा, या हम कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जाएंगे, या किसी भी, जब कुछ भी चीज़, यही सी बात को बुद्ध ने बड़े सरल तरीके से कहा था कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिंपल बात। पर इसको, ये तो थोड़ा आध्यात्मिक बात लगती है, पर इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आसपास के सभी चीज़ों को मालूम करो कि भी ये सभी चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं, एक्सपायर होने के प्रोसेस पे चल रही है, जैसे दूध से हमने दही जमाया तो वो सीधा खट्टा नहीं होता है, या कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई, कोई खाना सड़ गया तो वो एकदम बनते ही नहीं सड़ जाता, वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है उसके सड़ने की। और जब वो सड़ता है तो वो और ज़िंदगी, मतलब कोई एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो उसमें और ज़िंदगियाँ जन्म लेती है। जैसे कोई जानवर मर गया और वो मरता है, फिर उसका शरीर सड़ता है, फिर उसमें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ आबाद होती हैं, हमारे अंदर जीवाणु के रूप में करोड़ों जीव पल रहे हैं। हम जब बीमार होते हैं तो रोगाणु पलते हैं, हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए लाखों करोड़ों रोगाणुओं को मारते हैं दवाई के रूप में, जीवाणु हमें चाहिए होते हैं। तो जीवाणु रोगाणु है क्या, ये भी तो जीव है, ज़िंदगी है, कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। तो जब एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो वो बहुत सारी ज़िंदगियों को जन्म देती है, तो इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है। इसको समझने से ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो रेट रेस है, जो भौतिक जीवन है, उसमें अगर आप इस बात को समझे तो थोड़ा सा आपको ये आएगा, आपका बॉस आपको गाली दे रहा है, आपको मालूम आ रहा है यार ये भी तो बेचारा मर गया, अब इससे क्या मैं नाराज़गी पाले, केवल ये इसको मालूम नहीं कि ये इस करवाहट से अपने ही उस मरने की प्रक्रिया को, उस ज़िंदगी जिसको ये बोलता है, उसको ख़राब कर रहा है, और इसको लग रहा है कि ये मुझे डांट के मुझे ख़राब कर रहा है। पर मैं तो इस बात को समझ गया हूँ इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने डांट नहीं रहा है, तू डांट चुका है, अब मैं तो सफ़र में एक कदम आगे बढ़ गया। पर हम लोग स्टिल मानते हैं, इसलिए बॉस ने कल डांटा हम आज भी दुखी हैं, किसी ने धोखा 4 दिन पहले दिया हम आज भी दुखी हैं, किसी की मौत 2 साल पहले हुई हम आज भी उसकी डीपी पे फोटो लगा के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक दिन हमारी भी डीपी पे कोई ना कोई फोटो लगा रहा होगा हार चढ़ा के। तो
तो मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी वैल्यूएबल हो लगेगी आपको, पर इसको थोड़ा सा क्लियर करने के बाद मेरे अंदर बड़ा सा एक पॉजिटिवनेस और एक बदलाव आया है, एक सकारात्मक चेंजेस लगा मुझे, और निडरता आई, मौत के प्रति डर थोड़ा सा कम हुआ, अपनों की मौत के प्रति डर थोड़ा सा कम हुआ, किसी चीज़ के नष्ट होने के प्रति डर कम हुआ, कोई आपका घर हथियार लेगा, किसी ने आपका पैसा छीन लिया, इन सब चीज़ों से डर थोड़ा सा कम हुआ। हालांकि मुझमें नहीं था, पर जो भी थोड़ा बहुत भी था उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कुछ हद तक इसी तरह की विचारधाराओं से मिलते जुलते हो, तभी मेरे चैनल पर हो आप। अगर आप लोगों को मन करे तो आप कमेंट कर सकते हो, उससे कुछ नए भाव भी मालूम पड़ेंगे इस टॉपिक पर, नए विचार मालूम पड़ेंगे, और आप लोगों को भी हल्कापन लगेगा, आप लोगों को बात करना आएगा, अपनी बात रखना आएगा। चलो, आपको कैसा लगा ये बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।